न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के बेटे एवं युवा इनेलो नेता करण चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां इनेलो जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। बसपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में करण चौटाला ने साफ किया कि उनके लिए आज भी ताऊ अजय चौटाला ही बड़े हैं और वे अपने पिता से ज्यादा ताऊ का आदर करते हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है तो राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन परिवार आज भी एक है। उन्होंने कहा कि इनेलो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि आम जनता की पार्टी है। पार्टी में चल रही रार के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी में किसी पद पर नहीं है जो कि बयान दे सके। वैसे भी उनके लिए सिर्फ चौटाला साहब के आदेश ही सर्वोपरि हैं और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं पूरी तरह पार्टी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि अगर पार्टी का झंडा बुलंद है तो हम सब बुलंद हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पार्टी की तरफ से आदेश आया था और दो प्रोग्राम थे, आज उनके तहत यहाँ पे आज आया हूँ और लोगों ने याद किया, अपने बड़े आशीर्वाद लेने उनके बीच में आया। जिस तरीके से पार्टी में इस समय जो कलह चल रही है उस पर क्या कुछ करें? उस पर मुझे ना तो अधिकार है कोई टिप्पणी करने का, ना मैं इस कोई पद पे हूँ कि मैं कोई टिप्पणी करूँ। और देखिए, हमारे लिए तो जो चौटाला साहब का आदेश है वो सबसे प्रथम। 17 तारीख पर सभी के पक्ष में आएगा, किस तरीके से वो किस नजर से देखते हैं? मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मैं ऐसे कोई पद पे हूँ कि मैं कोई टिप्पणी कर सकूँ। अजय चौटाला जी कह रहे हैं कि इनेलो मेरी है, अभय जी कहते हैं कि मेरी है, तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? इनेलो तो जनता की है और जिस प्रकार चौटाला साहब ने हमेशा कहा कि पार्टी वर्कर की होती है, तो इस प्रकार से हम तो इस बात पे कह ही नहीं सकते कुछ भी। ये तो जो आपके बीच में लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे वर्कर खड़े हैं, पार्टी इनकी। क्या माना जाए दोनों में से किसकी हो सकती है पार्टी? पार्टी हमारी में से किसी की भी नहीं होगी, पार्टी तो इनकी है, वर्कर की पार्टी है। जिस तरह चौटाला एक परिवार है, देवीलाल जी की सारी कुछ चीजें दी हुई है, आज जो कुछ हो रहा है इस परिवार में, क्या उससे आपके कार्यकर्ता आहत नहीं है? ये आप सोच नहीं पा रहे हैं कि इधर जाए या इधर? मैं तो आप कह ही रहा हूँ, कार्यकर्ता आपके साथ खड़े, ये सवाल आप कार्यकर्ता से करेंगे तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमारे लिए परिवार एक है। अगर आप देखेंगे भी तो पीछे भी जब अजय सिंह जी आए तो परिवार में सबसे पहले मैं ही उनके पास मिलने गया था। उसके बाद भी परसों भी एक मेरा आपने बयान देखा होगा, मैंने यही कहा मैं अपने पिता से ज्यादा अपने ताऊ का आदर करता हूँ। और उन्हीं ताऊ को भी निष्कासित कर दिया गया, ये फैसला मैंने तो नहीं किया, ना मेरे पास अधिकार है। क्या है मैं एक ताऊ के नाते यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, उनको भी निष्कासित कर दिया अजय चौटाला जी? मैं इस पे टिप्पणी कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं कोई पद पे नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई अधिकार है, ना मैं कोई फैसला ले सकता इस चीज के ऊपर। ये पार्टी में अगर आप पार्टी के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनसे ये सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। कार्यकर्ता कि भाई जो झंडा बुलंद है तो हम बुलंद है, कोई बयान नहीं आया, ये आपकी गलतफहमी है। कहीं आया है तो आप वो बयान दिखाएं और उन्हीं से इस बात का स्पष्टीकरण दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन दोनों बुला रहे हैं, अभय भी बुला रहे हैं, अजय भी बुला रहे हैं, मैं लोगों को किसकी तरफ जाएं? अभय सिंह जी ने किसी को नहीं बुलाया,